नोटेशन सिस्टम संगीत में हो या किसी भी और विषय में हो, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? और ये जो नोटेशन सिस्टम है या ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। नोटेशन सिस्टम क्या क्या है, कौन कौन से हैं, उस पर शायद मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, तो आज वो डिटेल मैं इसमें शेयर नहीं करूँगा वीडियो में, ताकि ये ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। लेकिन हाँ, उसके एग्जांपल्स तो इसमें आएंगे ही आएंगे कि भाई नोटेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे कैसे लिखी जाती है संगीत में चीज़ें, उसके बारे में तो मैं बात करूँगा, तो वो एग्जांपल ज़रूर आएंगे। लेकिन उसका डिटेल स्टडी जो है वो मैं पहले ही दे चुका हूँ मेरे ख्याल से किसी वीडियो में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए नोटेशन सिस्टम के नफ़ा नुकसान, फ़ायदे नुकसान क्या क्या हैं। सुनी मैं हरी आवन की आवाज, सुनी मैं हरी आवन की आवाज। संगीत हमेशा से गुरुमुखी विद्या रहा है, सीना ब सीना जिसको कहते हैं, यानी आमने सामने बैठकर सीखने वाली विद्या रही है। इसमें लिखने की जो परंपरा है उसको थोड़ा अवॉइड किया जाता था शुरू में एटलीस्ट, क्योंकि ये माना जाता था कि जितना ज़्यादा तुम लिखने में व्यस्त रहोगे याददाश्त नहीं बढ़ेगी और वो अंदर बसेगा नहीं, और हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती है, संगीत है इसको समझने की जीने की कोशिश करो, लिखने में लिखने पढ़ने की तुम शास्त्रकार नहीं हो, तुम संगीतकार हो, इसे बसाओ अंदर अपने, बस उस माहौल में रहो और उसको अंदर बसाने की कोशिश करो, ये ज़्यादातर लोगों की मान्यता रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने लिखने की ज़रूरत को समझा, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत को समझा। जब पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, जिन्होंने हमारी नॉर्थ इंडिया की जो संगीत पद्धति है उत्तर भारतीय, उसके नोटेशन बनाए, नोटेशन सिस्टम लिपि पद्धति बनाई, पूरी सिर्फ नोटेशन नहीं बनाए, पूरी पद्धति बनाई कि ऐसे लिखा जाना चाहिए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो हैं उन्होंने साउथ इंडियन नोटेशन सिस्टम पद्धति बनाई, कर्नाटक पद्धति बनाई, तो इन लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा, आज उस पर चर्चा हम करने जा रहे हैं, या क्या ज़रूरत होती है नोटेशन सिस्टम की। मैंने फलां कोई बंदिश किसी बड़े गुरु से सीखी, फलां कोई प्रक्रिया मैंने एक पर्टिकुलर गुरु से सीखी, आने वाले वक्त में मैं अपने शागिर्दों को, अपने शिष्यों को वो मौखिक रूप से बता रहा हूँ, या रिकॉर्ड हो गई, ऑडियो रिकॉर्ड हो गई, या वीडियो रिकॉर्ड हो गया। जब ऑडियो वीडियो पद्धति नहीं थी तब भी नोटेशन सिस्टम बनना शुरू हुआ था, बट ऑफकोर्स ना लिखना तो पहले शुरू हुआ है, रिकॉर्डिंग तो बाद की बात है, जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो पहले तो प्रिंट मीडियम ही था कि लिख के समझा देंगे। स्वर प्रॉपर बोल कर समझाया जा सकता है, लिख कर नहीं, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि श्रुतियाँ नहीं लिखी जा सकती, इसीलिए लोग अवॉइड करते थे कि रागों को लिखोगे क्या, वो चीज़ तो गले में है, कोमल ऋषभ कितना कोमल है वो लिख कर कैसे बताओगे, चिन्ह से ये बता दोगे कि कोमल है लेकिन अति कोमल लगता है ये कैसे बताओगे, तो लोग अवॉइड करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि याददाश्त में कितनी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत कम, और याददाश्त कितनी ही अच्छी हो उसका जो प्रचार प्रसार है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करने के लिए नोटेशन सिस्टम का इस्तेमाल है। आज वो बंदिश अगर मैं आपको सिखाता हूँ, फलां किसी व्यक्ति को मेरे सामने, कल को वो किसी और को सिखा सकता है, लेकिन नोटेशन सिस्टम हो और किताब बन जाए उसकी, तो वो पूरे विश्व भर में कहीं भी जा सकती है, और यहाँ का आज से 5000 साल पुरानी चीज़ भी हम सीख सुन सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा नोटेशन सिस्टम का हुआ, जब उसमें लिखना शुरू हुए कि चलो भैरवी की कोई तान लिखिए, बंदिश लिखिए, और बिलावल की कोई बंदिश लिखिए, तो उसके स्वरों में फ़र्क क्या होगा, तो पता चल गया कि रे के नीचे अगर अंडरलाइन है तो पता ही है रे कोमल है, रे गधनी कोमल है भैरवी के, तो पता है उसमें कि ये बंदिश जो है भैरवी की होगी। लेकिन उसमें एक नुकसान ये जो सबसे बड़ा हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया कि श्रुतियाँ नहीं पता चलती हैं, उसका कोई चिन्ह नहीं है कि तोड़ी राग तोड़ी का कोमल गंधार, भैरवी का कोमल गंधार और दरबारी का जो कोमल गंधार है वो तीनों के तीनों अंडरलाइन से ही लिखे जाएंगे, तो वो कोमल का ही लिखा गया। लेकिन जब गाते हैं तो मालूम चलता है कि जो दरबारी का कोमल गंधार है वो थोड़ा सा चढ़ा होगा, क्योंकि उसमें मध्यम का आंदोलन होता है, मध्यम की मीढ़ होती है हल्की हल्की सी, और जो तोड़ी का कोमल गंधार होता है उसमें कोमल ऋषभ का पुष होता है, इसीलिए वो गंधार हल्का सा उतरा हुआ होता है, और भैरवी का तो सीधा सीधा लगता है पूरा।
अब ये इतनी डिटेल जानकारी लिख नहीं सकते उसमें कि अति कोमल है या क्या है, इसीलिए शास्त्रों में लिख दिया जाता है कि इस राग का गंधार अति कोमल है या, लेकिन वो अति कोमल कितना है वो कौन बताएगा, वो तब गाकर बताया जाता है कि ये भैरवी का गंधार है ये ऐसे लगता है, ये तोड़ी का गंधार है ये ऐसे लगता है, सुनकर मालूम चलता है, ऑब्जर्व करके मालूम चलता है। तो ये नोटेशन सिस्टम का एक फ्लॉ माना गया। फिर एक नुकसान, या नुकसान कहूँ या एक फ्लॉ कहूँ नोटेशन सिस्टम का, वो ये माना गया उसमें लयकारी लिखी जा सकती है, यानी कि आपकी वो चीज़ दो गुण में लिखी है, तीन गुण में है, चार गुण में है, वो मैं लिख सकता हूँ कि अगर सा रे ग म प ध, ये तीन गुने की चीज़ है तो मैं लिख दूंगा सा रे ग और नीचे आधा अर्ध कौस जो है वो कौस लगा के मैं बता दूंगा कि ये हो गया, कि ये हो गया आपका एक मात्रा में तीन बोला गए, और सा रे ग म रे ग म प ग म प ध एक में चार आ रहे हैं, ये भी मैं कौस लगा के बता सकता हूँ, या आधी लय है एक दो तो मैं एक एस लगा के एक डैश लगा के ये बता सकता हूँ, एक अवग्रह देकर ये बता सकता हूँ कि यहाँ गैप है। तो ये सारी की सारी चीज़ें लयकारी के अंदर आती हैं कि वो लिखी जा सकती हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं लिखी जा सकती वो है लय। लय नहीं लिखी जा सकती। लय का प्रकार लिखा जा सकता है कि ये मध्य लय की बंदिश है, द्रुत लय की है, या विलंबित लय की है, या मध्य विलंबित की है, लेकिन उसका टेम्पो नहीं लिखा जा सकता। उस बंदिश को बनाते समय उस रचयिता ने क्या सोचा होगा कि ये इस लय में होनी चाहिए बंदिश, इसको ज़्यादा तेज़ करोगे तो वो शब्द जो हैं वो फंस रहे हैं, वो स्वर जो हैं वो माहौल क्रिएट नहीं कर पा रहे जो होने चाहिए, है ना। प्रकार लिखा जा सकता है कि मध्य लय है, और अगर आज की तारीख में जाए टाइम सिग्नेचर या उस जो वेस्टर्न पद्धति लिखने जाए तो टेम्पो भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमारे प्रक्रिया में कभी टेम्पो रहा ही नहीं क्योंकि हम मेट्रोनोम इस्तेमाल नहीं करते थे भारतीय शास्त्रीय संगीत में, वो तो आजकल इस्तेमाल होने लगा है। तो टेम्पो लिखा जा सकता है, BPM लिखा जा सकता है, और अगर वो नहीं लिखें तो लय नहीं लिखी जा सकती, यानी उसका कोई चिन्ह नहीं बनाया गया। लयकारी के चिन्ह आए, लय के चिन्ह नहीं आए, इसीलिए लय जो है वो बैठकर ही समझ आती है। जब गाया बजाया जाता है तो उसमें हल्का सा लोच भी होता है, जब वो बंदिश गा रहे हैं तो बीट टू बीट एकदम कट टू कट नहीं चलती है क्योंकि मेट्रोनोम नहीं है। इट्स अ लाइव, इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट, लाइव आर्ट है, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो वो लिखा नहीं जा सकता। तो कुछ कुछ फ्लॉज हैं स्वर में भी और लय में भी। अच्छा, ताल पक्ष में हर चीज़ लिखी जा सकती है, लयकारी सारी लिखी जा सकती हैं, डेढ़ गुने से लेकर पौने दो गुना लिखना हो, सवा गुना लिखना हो, 1.12 लिखना हो, वो सारी चीज़ें जो हैं गणित के मुताबिक लिखी जा सकती हैं। फिर कई लोग ये भी मानते हैं कि जो दो गुना लिखा गया है वो कट टू कट दो गुना जो है वो हमारे मुताबिक नहीं है, इसे हम लय का दिव्य ज्ञान कहते हैं, लय की दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो कई लोगों को वो भी होता है, फिर वो कहते हैं कि ये टुकड़ा कोई पर्टिकुलर बंदिश है, बोले कि इसको लिखो, तो वो गिन के अपने हिसाब से ले आते हैं और फिर कहते हैं कि देखो इसको लिखा नहीं जा सकता। तो शायद वो भी कुछ होता हो, भाई मैं अभी तक वहाँ तक उतनी दिव्य दृष्टि मुझे नहीं हुई है कि मैं लय की उस परख को भी समझ सकूं जिसका गणित साथ नहीं देता है, है ना, जहाँ गणित फेल हो जाती है कि नहीं भाई ये चीज़ ऐसे आनी चाहिए जो लिखी नहीं जा सकती लेकिन ऐसे होती है ये पर्टिकुलर लयकारी, अब वो मुझे नहीं पता कैसे होती है। वरना तो जितनी गणित मैं समझता हूँ संगीत वाली गणित, उसमें ये ज़रूर रहता है कि अगर 10 मात्रा में आपको 7 मात्रा भी लानी है तो वो भी लिखी जा सकती होगी, उसकी कोई गणित होगी, फॉर्मूलाज हैं, स्टेप्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं, फॉर्मेट है उसका, वो सारी चीज़ें हैं उसमें जो लिखी जा सकती हैं। लेकिन कई लोग लय की दिव्य दृष्टि की बात करते हैं कि नहीं वो लय जो है वो ऐसे जा रही है, लयकारी ये पर्टिकुलर ये वाली है, लिखी नहीं जा सकती। तो भाई वो भी एक चीज़ होती होगी, वरना तो अनागत हो या आगत हो या अतीत हो वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ये तबले की कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने अभी बोली है, अनागत यानी जो सम से जो सम पे नहीं आता है, है ना, जो सम से पहले ही ख़त्म हो जाए, और जो अतीत है वो सम के बाद ख़त्म होता है, यानी एक सम के तुरंत बाद ऑफ बीट में ख़त्म होता है, आगत यानी जो सम पे आ जाए। तो ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें भी लिखी जा सकती हैं गणित से, स्वर नहीं लिखे जा सकते। राग के ऑर्नामेंट्स लिखे जा सकते हैं, ये एक अच्छा फ़ायदा हुआ नोटेशन सिस्टम का कि जो मैंने बंदिश गाई वो हूबहू तो आप नहीं लिख सकते, ख्याल गाई की तो बिल्कुल ही नहीं लिख सकते क्योंकि ख्याल गाई की बीट टू बीट गाई ही नहीं जाती। तो कई बार लोग होते हैं कि वो ख्याल बंदिश लिखी हुई तो है लेकिन जब उसको लिखा हुआ गाओगे तो वो वैसे नहीं गवेगी जैसा ओरिजिनल गव रही है, क्योंकि जब वो गवती है तो थोड़ा सा लय का लोच होता है, थोड़ी ऑफ बीट्स होती हैं, तो उसे हूबहू लिख पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसका एक बेसिक फॉर्मेट बना दिया जाता है
कि ऐसे ऐसे लिख दो, ये बीट टू बीट टू बीट चल रही है। लेकिन इसमें नुकसान ये होता है कि उम्र भर हम वही बीट टू बीट गाते रहते हैं, हम ये कभी समझते ही नहीं कि स्वच्छंद लय भी एक चीज़ होती है, जिसमें हाल ही में मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने यही समझाया है कि ख्याल गायकी स्वच्छंद लय की होती है, वो कोई बीट टू बीट नहीं चलती, कट टू कट नहीं चलती, उसमें कई बार सम छोड़ भी दिया जाता है, लय तोड़ भी दी जाती है और फिर भी लय में रहा जाता है, तो वो चीज़ें लिखी नहीं जा सकती क्योंकि कब कितना लिखोगे उसको। तो ये कुछ बातें हैं। तो नोटेशन सिस्टम में लय, लयकारी, स्वर सब लिखा जा रहा है, लेकिन सब में कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। तो पूर्ण तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी मदद करती है ये, क्योंकि वो जब तक उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है तब तक मैं उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करूँगा। आज ये है कि दरबारी का गंधार और तोड़ी के गंधार का फ़र्क मुझे सुनकर मालूम चल सकता है, किसी पर्टिकुलर ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग में गाया हुआ है तो मैं साफ सुन सकता हूँ, लेकिन लिख के मैं नहीं पढ़ पाऊँगा कि ये मैं कैसे बताऊँ। मैं तो लिखा हुआ गाऊँगा तो मैं तो उसे एक ही तरह का गंधार लगाऊँगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब राग गायकी की जाती है तब हारमोनियम परे हो जाता है, हारमोनियम के परे होती है राग गायकी, क्योंकि हारमोनियम में भी स्वर निश्चित है ना, वो कोमल का एक ही जगह है, लेकिन सारंगी, वॉयलिन, सितार इसमें बदला जाता है, वो थोड़ा सा मीण का प्रयोग करके, वो तार को इधर से उधर स्लाइड करके, खींच के ढीला करके श्रुतियाँ दिखाई जा सकती हैं जो स्वर की होती हैं किसी एक राग में। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि कैसे नोटेशन सिस्टम आपका साथ देता भी है और नहीं भी देता है। मैं उसके फेवर में हूँ या अगेंस्ट में हूँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मेरा तो यहाँ बताना सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स बताने का काम है, ज़रूरी है भी और नहीं भी। अब ज़रूरी नहीं है ये तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अधूरा है ये ज़रूर बोलूँगा। ज़रूरत तो उसकी है नोटेशन सिस्टम की, और आप लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है, वरना वही चीज़ आप बोल बोल के कब तक सिखाओगे। उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होगा तो वो फर्दर जनरेशंस तक जा रही है ना चीज़, क्योंकि ऑडियो वीडियो भी हर किसी के पास कब तक अवेलेबल होगा भाई। अब वो तो खैर जनरेशन के ऊपर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया है तो अब वो सब ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं तो कब तक ऑडियो वीडियो किसी और को डिस्टर्ब भी कर सकता है ना, अगर आपने किसी के सामने प्ले किया या कान में भी उसके लिए मटेरियल बहुत ज़्यादा लग गया मान लो। अब वो तो खैर टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि कैसे आप उसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन लिखित पद्धति अगर आप सीख लो तो बुरा कुछ नहीं, क्योंकि हाँ ये एक पॉइंट मुझे ध्यान आता है कि लिखित पद्धति सीखने से एक बड़ा फ़ायदा यह है कि पुरानी रचनाएँ तो लिखित ही हैं, उनकी तो कोई ऑडियो वीडियो नहीं है, वो कैसे समझोगे। स्क्रिप्ट पढ़ना आना चाहिए ना। आज की तारीख में कई ऐसी किताबें हैं जो देवनागरी में अवेलेबल नहीं है। अब हमें तो देवनागरी पढ़ने आती, हमें तो कोई दूसरी स्क्रिप्ट पढ़ने नहीं आती, हमें नस्तालीक जो उर्दू की स्क्रिप्ट होती है वो पढ़ने नहीं आती, या हमें अंग्रेज़ी की जो रोमन लिपि है वो पढ़ने नहीं आती। तो अच्छी अच्छी चीज़ें जो उसमें लिखी हुई है वो हम उनका लाभ उठा ही नहीं सकते, तो ये दिक्कत पड़ जाती है। तो अच्छे अच्छे नोटेशन सिस्टम्स, अगर आप नोटेशन सिस्टम सीख लें, अच्छी अच्छी चीज़ें आप समझ सकते हैं जो पुरानी हैं, जो वो बंदिशें, जो वो चीज़ें लिखी हुई हैं अच्छी अच्छी किताबों में, पौराणिक जो लोगों ने लिखी हुई, बहुत पुराने ग्रंथ हैं। तो लिपि जानना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन लिपि पूर्ण नहीं है संगीत की, ये ज़रूर है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो वो लिपि वैसे भी सिर्फ मदद के लिए है, कंप्लीट सम अप कर देगी संगीत को ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इस पर और भी चर्चा हो सकती है, डिबेट हो सकता है, हो सकता है मेरी कई बातों से आप लोग अग्री ना भी करते हो, तो ऐसा भी आप कमेंट्स में बताइएगा ताकि मेरे भी ज्ञान में वृद्धि हो जाए, मुझे भी कुछ नई चीज़ें जानने को मिले। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर था। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड को, कमेंट करें और लाइक करके बताएं कि आपको अच्छा लगा या नहीं। शुक्रिया।